नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। बिहार जेडीयू पार्टी में शामिल हुए श्याम रजक, लालू को छोड़कर फिर नीतीश के हुए रजक, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी रहे मौजूद। जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी, नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लगातार जारी बहराइच में भेड़िए के आतंक ने फिर किया अटैक, 7 साल के बच्चे और बुजुर्ग को बनाया निशाना। फरुखाबाद में 13 साल की लड़की से सरकारी स्कूल के चपरासी द्वारा रेप करने का मामला आया सामने, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार की हुई बैठक, 173 सीटों पर बनी सहमति। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से 24 घंटों में 8 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में रेल की पटरी बही, तो वही एमपी राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट जारी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया। दरअसल आज उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में आना था, वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का दौरा होने की वजह से जननायक जनता पार्टी विधायकों की ज्वाइनिंग है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर अड़े हुए हैं, वहीं अमित शाह चुनाव के बीच बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री नहीं चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला में भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके हैं कि अब भाजपा में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी में एंट्री से खुश नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाह के दौरा कैंसिल करते ही भाजपा की इस जींद रैली के पोस्टरों से उनका चेहरा भी गायब कर दिया गया। यह पोस्टर भाजपा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 4 दिन से मंथन कर रही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें, अब 2 दिन और यह बैठक चलेगी जिसमें प्रत्याशियों के पैनल तैयार किए जाएंगे। दरअसल अभी तक करीब 2 दर्जन सीटों पर टिकटें फाइनल कर ली गई हैं, जिनमें 9 मौजूदा विधायक हैं। वहीं पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है, उनमें से 13 पुराने चेहरे हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। बताते चले कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सिंगल नाम वाले पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि जारी हुई उम्मीदवारों की सूची फेक है, और साथ ही लिखा, 10 साल से हरियाणा को ठग रहे ठगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। दरअसल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद टिकटों को लेकर भाजपा व कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। किसी की भी उम्मीदवारी पर अब तक मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर फर्जी सूची वायरल हो रही है। पहले भाजपा की सूची वायरल हुई थी और अब कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची वायरल होने के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ये फेक लिस्ट है। बता दें, हरियाणा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि उम्मीदवारों की सूची नकली है। आपको ये भी बता दें कि सूची में कांग्रेस के 16 प्रत्याशियों के नाम है। इनमें कालका, पंचकुला, अंबाला सिटी, मौलाना, लाडवा, थानेसर, शाहबाद, यमुनानगर, कैथल, अंबाला, केंट शामिल है। और तो और, सूची में रणदीप सुरजेवाला का नाम भी है, जिन्हें कैथल से प्रत्याशी दिखाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी कोई सूची जारी नहीं की गई है, अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं चुनावी माहौल में सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के बस पास भी सहकारी परिवहन समिति की बसों में लागू करने की बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल अब रोडवेज बसों के साथ साथ सहकारी बसों में भी विद्यार्थियों के पास मान्य हो गए हैं। दरअसल इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया गया। सरकार की ओर से इसी सत्र से लड़कियों के साथ साथ लड़कों के भी बस पास निशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए। दरअसल इससे हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा। हाल ही में सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज में लड़कियों की तरह लड़कों के बस पास भी निःशुल्क बनाने के आदेश जारी करने के साथ, वहीं बस की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दी गई थी,
और अब परिवहन विभाग की ओर से लड़कों के बस पास को रोडवेज बस के साथ साथ सहकारी समिति की बस में भी लागू करने के आदेश जारी हुए हैं। इसके बाद निजी बस परिचालक विद्यार्थियों को बैठाने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि रोडवेज विभाग की ओर से बनाए गए बस पास सभी प्राइवेट बसों में लागू होंगे। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर शनिवार को किसानों ने महापंचायत की। वहीं इस दौरान सभी किसानों ने आंदोलन को और मजबूत करने का प्रण लिया। आपको बता दें कि बीते दिन महापंचायत में महिला पहलवान विनेश फोगाट भी पहुंची। इस दौरान किसान नेताओं ने उन्हें सम्मानित किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर भी इसी प्रकार से महापंचायत का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें 1 सितंबर को यूपी के संभल में, 15 सितंबर को उचाना व 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं हरियाणा में आयोजित होने वाली महापंचायतों में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांव-गांव में जाकर पदाधिकारी 10 साल में भाजपा के किसान मजदूर विरोधी कार्य के बारे में ग्रामीणों को बताया जा रहा है। तो यही थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।